Now watch all the episodes only on Lehre app. हम बात करेंगे इन दोनों की जर्नी की, लाइक कैसे मिले ये दोनों और इतने क्लोज आए और बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इन्होंने बिग बॉस के घर पे ही शादी कर ली और अभी तक हमें रिसेप्शन नहीं मिला बाय द वे. हाँ, ये शिकायत तो सबको है सीरियसली, बट करेंगे, हम लोगों को टाइम नहीं मिला. ये शिकायत तो नहीं है लोगों में, पहले उन लोगों ने बोला था कि आपको जल्दी जल्दी पार्टी देना, ये करना, लेकिन जैसे ही हम नच अरे वो निकले वहाँ से, तुरंत हमको नच वाली ऑफर हो गया. हाँ. तो हमारे जो अपने लोग हैं या जो भी लोग थे फ्रेंड्स लोग, उन्होंने सपोर्ट किया कि नहीं आप उस चीज़ को करो. हाँ, वो अच्छे से करो. हाँ, उसको अच्छे से करो. हम लोग मिले थे 2008 में, एक भोजपुरी फिल्म कर रही थी मैं उस समय, दूल्हा अलबेला, और ये सही में अलबेला ही थे और वही दूल्हा. हाँ हाँ, मतलब हो तो हम लोग बहुत अच्छा सफ़र था, मतलब उस शेड्यूल को हमने इतना जिया है कि मतलब मन ही नहीं हो रहा था कि ख़त्म हो. बहुत अच्छे से हम लोग शूट भी किए और केमिस्ट्री हमारा धीरे धीरे बढ़ता गया, और फिर जब शूटिंग शेड्यूल ख़त्म होने को आया तो बहुत ही बुरा लग रहा था कि क्यों ख़त्म हो रहा है यार ये वो. फिर वहाँ से हम लोगों को, मतलब मुझे एक और दूसरे शूटिंग पे जाना था, वो भी मतलब आउट ऑफ टाउन, तो हम लोग वाई में दूल्हा अलबेला का शूटिंग कर रहे थे, तो वहाँ से बॉम्बे आए, फिर मैं चली गई. और जो बाहर जाने के बाद जितना मतलब बुरा हालत था कि मैं रह नहीं पा रही थी 24 आवर्स, जब तक मतलब शॉट ऑन होता था तब तक मैं कैमरा के सामने होती थी, बाकी टाइम फ़ोन पे रहती थी, इतना ज़्यादा मिसिंग हो गया था. सीरियसली, मैं जिस टाइप का हूँ ऐसा नहीं है, बहुत सारी लड़कियाँ हैं, बहुत सारे लड़के हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको बड़े अच्छे लगने लगते हैं. मतलब होता है ना कि मोना भी इनके अंदर एक ऐसा था कि पहली बात तो कोई एटीट्यूड नहीं था, और जैसे एक होता है ना कि हर एक इंसान इसके लिए एक जैसा था, चाहे इसका मेकअप मैन दादा हो, चाहे इसका बॉय हो, चाहे कोई भी हो. कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा वो होता है कि ये इनका डिपार्ट है तो आप यहाँ पे रहो, आप वहाँ पे रहो. तो मोना एक तरीके से फैमिली टाइप में वहाँ रहती थी जो भी इनके साथ रहते थे, और मैं बहुत क्लोज हूँ अपने फैमिली से, तो मुझे तो सबसे पहले ये अट्रैक्ट लगा. खूबसूरत है, इसमें कुछ बात छुपाने की थी ही नहीं, और ये भी चंचल थी, मतलब बहुत ही क्यूट टाइप की लगती थी, और मैं थोड़ा सा नक चढ़ा दबंग टाइप, लाइक सलमान खान टाइप का नेचर, तो खेलने कूदने वाला मैं हूँ, आज भी मैं इस चीज़ को पसंद करता हूँ. तो हमको ये भी नहीं पता चला कि अट्रैक्ट ये हुई या मैं हुआ, हम कब हो गए, हम चालू थे बात करना, और मैं अपने उसी स्टाइल में जो अंदाज होता है उसी हिसाब से बात करता था, और ये बहुत ही भोली भाले तरीके से इन चीज़ों को, वहाँ पे जो कुछ लोग थे हमारे जो प्यारे मित्र जो हमसे नफरत करते थे, मैं उनको मित्र बुलाता हूँ क्योंकि उनकी वजह से कहीं ना कहीं हम और क्लोज आए हैं, क्योंकि तो मेरे हम लोगों की मतलब पर्सनल लाइफ में नज़दीकियाँ पसंद नहीं होती. फिल्म से मतलब नहीं था उनको भाई, मतलब सारा कारोबार भी उनके ऊपर ही था फिल्म बनाने का, लेकिन उनको फिल्म गई इधर तेल लगाने, इनको देखो. और मैं थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव का रहा हूँ, आज भी हूँ, बट कहाँ पे मैं जिद दिखाता हूँ, वहाँ पे दिखाता हूँ जहाँ पे दिखाना चाहिए. मैं जानबूझ के भी करता था कि अगर कोई आपसे जेलस हो रहा है, कि जैसे कि किसी को लग गया कि अरे यार एक दूसरे से क्लोज नहीं आने चाहिए दोनों, तो मैं डेफिनेटली जानबूझ के उनके सामने ही क्लोज आता था कि देखो मैं आया, तो ये चीज़ें करता था कि उनको बताने के लिए कि आपकी ये जगह नहीं है हमको रोकने की, ना तो आपका कोई हक है ना पूछा. हाँ, ना तो हम गलत है, कुछ भी नहीं, मतलब रखो कि हम सिनेमा से मतलब रखो, या जो भी शूट कर रहे हैं हम जा रहे हैं, आप तो पैकअप, हम लोग बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको क्या मतलब है. तो एनीवे वो स्टोरी एक नहीं, मजे था, मुझे तो बड़ा मजा आता था कि बेवजह बुलाता था, अरे यार मोनालिसा किधर है, जैसे मुझे मालूम है बंदा सामने बैठा है और उसको पसंद नहीं है कि विक्रांत मोना के साथ बैठे, तो मैं जानबूझ के उसी के सामने बोलता था कि अपने जो भी है मेरे दोस्त, यार मोना नहीं दिख रही, किधर गई वो लड़की, ऐसे तो जानबूझ के कि उस आदमी को कुछ हो ऐसा. तो ऐसे बहुत बार ऐसी चीज़ें हुई हैं कि उनके चक्कर में भी कहीं ना कहीं हम और भी क्लोज आए. फिर इसके बाद हम लोग 3 या 4 महीना लिए थे एक साथ, मतलब शिफ्ट हो गए टोटली. 3 महीने? हाँ, 3 महीने. अप्रैल में मिले थे हम लोग और सितंबर में हम लोग एक साथ शिफ्ट हो गए एक रेंटेड अपार्टमेंट में, यारी रोड में रहती थी उस वक्त. और फिर इतने सालों का रिलेशन फाइनली, मतलब हम लोग जब एक साथ रहते थे तो डेफिनेटली हम लोग शादीशुदा ज़िंदगी ही बिता रहे थे, बट एक होता है ना सोशल, जो भी सबके सामने
तो वो somehow मतलब पोस्टपोन होता जा रहा था. काफ़ी टाइम से हम लोग प्लान कर रहे थे, हमारे घर वाले भी प्लान कर रहे थे. शुरू में ही हम मतलब हम मेरे घर वाले इनको देख लिए थे और इनके घर वाले भी हम मतलब मुझसे मिल लिए थे. मैं इनके गांव भी गई थी तो सारा कुछ था ही, लेकिन somehow that ceremony was not happening. तो बट कभी मतलब उम्मीद ही नहीं किए थे कि इतने बड़े तरीके से और इतने अच्छे तरीके से वर्ल्ड वाइड फेमस शादी मेरी होगी, ये हम, कभी सपने में भी नहीं था. हम लोग कई सालों से साथ में थे. बहुत सारे लोग बोलते थे भाई शादी कर लिए पार्टी नहीं दिए, या बहुत सारे लोग टोंट वे से भी बोलते थे अरे शादी थोड़ी करेंगे लोग ऐसा वैसे. मैं यही बोलता था कि जिस दिन हमारी शादी होगी उस दिन आपको पता चल जाएगा. और मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके से हमारी शादी का वो होगा. हम लोग ऐसे ही बोलते थे कि जब कहीं करेंगे कहीं हम बता के करेंगे, हम छोटे छोटे नहीं करेंगे. एक चीज नहीं ऐसा हो गया कुछ ऐसा मतलब आई एम ब्लेस्ड. मैंने जो बोला था कि आपको पता चल जाएगा, मैं किसी को बताया भी नहीं. हाईलाइट है ना, तो इन्होंने किसी से बताया. हमारी शादी भी आज ऐसी शादी है कि शायद उसको लोग इंटरनेशनल मैरिज के नाम से लोग लाइव देखा है और बहुत पसंद किए हैं. सब लोग बहुत मुझे सोशल साइट पे मैसेज करते हैं और मुझे मतलब बधाई देते हैं, विशेस देते हैं. दे आर सो हैप्पी. और मतलब मुझे मतलब मेरा फेवरेट डे जो मतलब किसी लड़की के लाइफ में जो फेवरेट एंड बेस्ट डे होता है वो इतना स्पेशल हो गया. सो आई एम वेरी हैप्पी. लाइक शादी तो हो गई, लेकिन हम थोड़ा सा और लाइक फ्लैशबैक में जाएंगे. हम जानना चाहेंगे कि आई लव यू फर्स्ट, वो फर्स्ट जो होता है वो किसने किसको बोला. जैसे कि हमने बताया, ऐसे हमको खुद को पता ही नहीं था कि कब क्या हो रहा है, कब क्या हो गया. तो ऐसे आई लव यू उस सेट पे तो हम लोग नहीं बोले थे, क्योंकि हम लोगों को उतना मतलब एक साथ टाइम बिताना, एक साथ रहना अच्छा लगता था, लेकिन ये फीलिंग नहीं हो रहा था कि शायद हम लोग जुड़ने वाले हैं. तो जब हम बाहर गए और मैं जो बताई कि मैं 24 आवर्स फ़ोन पे ही होती थी, मतलब जो सेट पे शूटिंग के टाइम छोड़ के बाकी टाइम मैं फ़ोन पे ही रहती थी, शायद उसी वक्त हम लोग एक दूसरे को बोले कि क्या मिसिंग यू यार, पागल जैसी हो रही हूँ, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, कब वापस आऊँ, आई लव यू, मतलब इस टाइप से ही हुआ था. कुछ ऐसा नहीं कि मतलब होता है ना, कुछ प्लानिंग भी नहीं था ना, तो कुछ हमने सोचा था. जो भी होता गया, मैंने बोला ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो होनी ही होती हैं, तो वो हो जाता है. और हमने कभी शो ऑफ नहीं किया किसी भी चीज़ को लेके. बहुत सारी चीज़ें भी आई बीच बीच में आती गई, और शायद उसको मैं उससे स्ट्रांग ही हुआ हूँ, मैं बताना चाहता हूँ. तो आई लव यू वही जैसे बोला इन्होंने, शूटिंग कर रही थी कि मैं ये बोली कि पता नहीं कब पैकअप होगा. तो मैंने बोला अच्छा मिस कर रहे हो, तो बोली हाँ यार मिस यू. तो उसी दौरान आई लव यू की बातें आई थी. और मैं सही बता रहा हूँ, मैं बहुत हूँ, मैंने बिल्कुल नहीं कि किसी को मैं जाऊँ रिसीव करने अपना एयरपोर्ट ऐसा वैसा, नहीं मेरा अंदर नहीं था. लेकिन मैं उतना एक्साइटेड था, ये याद तुम आने वाली थी पटना से, वहाँ शूटिंग था तो वहाँ से आ रही थी. और हम मिले तो थे, हम लोग जब मिले तो मतलब जैसे, और उस दिन हमने ना दो फिल्म देखी थी. हाँ, उस वक्त के बाद तो मतलब ऐसा हो गया था कि ब्रेकफास्ट लंच सपर डिनर एवरीथिंग करके सिर्फ रात में सोने के लिए घर अपने अपने घर जाते थे. फिर उसके बाद ये भी हो गया कि नहीं, अब इतना वो जो मतलब नाइट आवर्स जो है वो भी नहीं रहा जा रहा है. स्वीट. शायद इसको ही बोलते हैं हार्ट टू हार्ट कनेक्शन मोना. तब जाके आप लाइक एक मूवी दुल्हा एंड देन ही इज योर लाइफ टाइम दुल्हा. विक्रांत को लेकर आपको क्या ऐसी बातें अच्छी लगी कि आप उनके बिना रह नहीं पाते थे? मतलब सब कुछ. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देख ही सकते हैं बहुत ज़्यादा हैंडसम है, और उस समय भी बहुत अच्छे थे एंड यू नो बहुत ज़्यादा मतलब उस समय भी थे, मतलब अभी तो बहुत ज़्यादा है, मतलब उस समय यंग था थे और जिमिंग एंड यू नो फिटनेस के ऊपर हमेशा ये मतलब क्या कहते हैं सीरियस हुआ करते थे, रेगुलरली जिम करते थे, तो बॉडी शॉडी मसल एंड ऑल एवरीथिंग सब अच्छा था. एंड मैं अगर कहूँगी तो ये है कि इनका जो बोल्डनेस बात करने का तरीका एंड यू नो स्पॉन्टेनियस एंड यू नो दिल में कुछ नहीं होना, जो कुछ भी है फेस पे बोलेंगे और कुछ मतलब अलग तरीके से अंदर कुछ और बाहर कुछ और ऐसा नहीं है, बहुत ही ब्लंट है. तो ये सब सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि खुले दिल के होते हैं एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है. मतलब मैं तो बहुत
नेगेटिव सोच रखती हूँ अंदर से, मुझे हमेशा लगता है ये होगा कि नहीं होगा, ये काम होगा कि नहीं होगा, ऐसा ऐसा, बट ये मुझे ऑलवेज पॉजिटिविटी देते थे और समझाए हैं कि मतलब अच्छा पॉजिटिव सोचोगी तो अच्छा ही होगा। और बहुत ज़्यादा ये केयरिंग भी है, मेरा बहुत केयर करते थे। और ये थोड़ा सा मतलब मैं पहले की बात कर रही हूँ, मतलब क्यों क्यों अट्रैक्ट हुई, ये सवाल था ना, मतलब ऑलवेज। अच्छा मैं अभी प्रेजेंट टेंस में ही बात करती हूँ, मुझे मेरा बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और मतलब मुझे कुछ सोचना नहीं होता है कि वो हो जाता है, जो मैं सोच रखती हूँ ये पहले से वो सोच लेते हैं, तो हमारी कनेक्टिविटी थोड़ा सा है। मैं समझा देता हूँ, ये ट्रू आर्टिस्ट हैं, इनको कहीं ना कहीं मैं बता रहा हूँ, जैसे कि हम लोग काम को लेके बड़े ईमानदार होते हैं, और मेरे लिए भी ठीक है खूबसूरती एक अलग मायने रखती है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे, मैं ना एक्टर लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, जैसे मैं एक्टर हूँ तो इनको भी, जैसे मैं भी उस वक्त एक्टिंग करता था तो इनको बहुत पसंद आता था, ये हंसती थी, मैंने देखा था, तो ये भी करती तो मैं बोलता था आपकी यार ये लड़की ना अच्छी, मतलब ये धांसू एक्ट्रेस है या हर चीज़ अच्छे से करती है, बाद में आके नॉर्मल हो जाती है। तो मैं भी वैसा ही, जैसे मुझे लोग बोलते अरे यार विक्रांत सीरियस पता नहीं कर पाएगा कि नहीं, लेकिन जब मैं करता हूँ तो बोलते अरे, तो मुझे शायद वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा पसंद करती है, अट्रैक्ट करती है, बट मोना को भी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, तो ये शायद नहीं बता पाती हैं, थोड़ा सा हिंदी का हायता थी जो भी है, ये बहुत सलमान सर ने बोला है, बहुत सारे लोगों ने बोला है, ये जैसे कि ये सुनती है कभी कभी और मैं समझती नहीं, समझती भी नहीं, और उस वक्त ऐसा लगता है बहुत सीरियस सुन रही है, हाँ, लेकिन उस वक्त दूसरे से पूछती क्या बोले, हाँ ये तो बहुत होता। अब सलमान सर के सामने जब हम बैठते थे हमको इतना डर लगता था, तो मैं क्या करूँ, मैं वो बोलते ही थे तो मैं डर जाती थी, तो मैं इतना समझ नहीं पाती थी, इसीलिए मैं इधर उधर देखती थी, प्लीज मुझे समझा दो कि क्या बोले, आधी बातें तो वो अच्छी अच्छी बातें भी मेरे बारे में बोल के जाते थे, मेरे को बाद में लोगों से पता चलता था कि तुम्हारे बारे में ऐसा बोले, मतलब व्हाट, मतलब अगर उधर बोलते तो उधर ही पागल हो जाती खुशी से। तो अभी अभी क्या होता ना, जैसे कि वहाँ पे भी लोग बोले कि चलो यार, जैसे मुझे लोग नहीं मिले थे, तो मिलने के बाद कुछ लोग थे वहाँ के, तो बोले यार बहुत अच्छी बात है कि तुम और मोना एक साथ हो, मतलब क्यों, बोले एक तुम हो सारी बातों को बोलने के पहले समझ जाते हो, और एक मोना है उसको समझा के चले जाओ नहीं समझ रही है, मतलब चलो अच्छी बात है तुम समझाते हो, सेम चीज नच बलिए में कि अगर कोई बात हम परफॉर्म किए, जजेस हैं उन्होंने बात चालू किया तो मोना हाँ हाँ हाँ, तो जैसे सोनाक्षी मैम हो गई, टेरेंस हो गए, तो बोलते थे विक्रांत प्लीज समझा देना। अच्छा मोना ऐसे बोला जाता है, मतलब लोगों का ऐसा कहना है कि विक्रांत थोड़ी से लाइक शॉर्ट टेम्पर है, ये सच है क्या, कैसे अगर है तो फिर आप कैसे मैनेज करते हो? बहुत ज़्यादा है ये तो, बिल्कुल सही है, शॉर्ट टेम्पर, जितना मैं कूल हूँ मैं, मुझे तो गुस्सा ही नहीं आता है, इनफैक्ट गुस्से वाला सीन जब फिल्मों में करना होता है तो लोग बोलते हैं यार ये कर पाएगी कि नहीं, क्योंकि मेरा वो आता ही नहीं है, और उतना ही ये ज़्यादा लाउड है और है शॉर्ट टेम्पर तो है, और लेकिन जितना मतलब शॉर्ट वर्ड जो है शॉर्ट टेम्पर है, उतना ही शॉर्ट टाइम तक वो टेम्पर रहता है। मैं मतलब कुछ भी हम लोगों के बीच में बातचीत चल रही है, और मान लीजिए कुछ ऐसा मतलब एक्सट्रीम पॉइंट पे धीरे 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 चढ़ता गया तो हाई पॉइंट तक पहुंचने के बाद मैं थोड़ा सा रिएक्ट करती हूँ और मैं निकल जाती हूँ उस कन्वर्सेशन से, और फिर मैं अपने एक कोजी एरिया है जो मेरा बेडरूम है, वहाँ जाके बैठ जाती हूँ, और फिर इनका जो शॉर्ट टेम्पर के बाद शॉर्ट टाइम में ही आ जाते हैं और मुझे मनाते हैं। मोना का क्या है कि मैं सही बता रहा हूँ, इनको ट्यूबलाइट ही बोला गया, लोग बहुत साल निकाल देते हैं और एक दूसरे को नहीं जान पाते। मैं शायद मोना को पूरा जानता हूँ, सारी चीज़ों को जानता हूँ, और इसलिए शायद मैं, मुझे मालूम है कि यार मुझे चलो सॉरी बोल देता, क्योंकि मुझे ना फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना अच्छा लगता। मैं सही बता रहा हूँ कि बेवजह गुस्सा करके कुछ और कर लो अच्छा भी नहीं लगता है उस वक्त, बेवजह अपने आप से झूठ बोला है, तुम तो सलमान खान से ही बड़े हो। रही बात जैसे मोना के मैटर में, तो मोना भोली भाली है लेकिन ये भी गुस्सा करती है। मोना आप विक्रांत को लेके ऐसी कौन सी दो बातें आप बताना चाहोगे, अगर वो दो बातें हटा दे तो विक्रांत एकदम परफेक्ट है? ये जैसे हैं मैंने उसी हिसाब से ही इनको पसंद किया था, तो अभी क्या ऐसा हटाए कि तो फिर तो ये वो नहीं रहे, मतलब मिलने के बाद या लाइफ में आने के बाद। हाँ कैसे कोई किसी को चेंज करे और क्यों करे, नहीं करना चाहिए। हाँ ये अगर निगेटिव है बहुत ज़्यादा, अगर
उस सोच को अगर ये बदलती है, बट मुझे लगता है कि शायद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप चाह के भी बदल नहीं पाते, या वो चाह के भी खुद को नहीं बदल पाता, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए। तो जितना भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो ब्लेसिंग होती हैं, आप उसको भी इंजॉय करो। हमेशा भगवान से मांगो ही मत, उनको भी थैंक्स बोलो। कुछ एक दिन ऐसे भी हो कि उनको भी लगे भाई चलो कोई आके हाल चाल पूछ रहा है, ये नहीं भगवान मुझे दे दो, जिस दिन ही होता बहुत सारी चीज़ें। बट मुझे लगता है कि नेगेटिव भी कोई ऐसी तरीके की नेगेटिव नहीं है, ये अपने को लेके होती है, कभी दूसरे को। हाँ मैं ये भी बोलता हूँ यार, सबका नेगेटिवपन अपने ले लिए कि लोग दूसरे के बारे में बात कर लेते हैं कि चलो इसका ये है तो उसका नहीं, खुद का कि मेरा पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा। मुझे सबसे बेस्ट लगता है मोना का, सबसे बेस्ट ये किसी की बैक बिचिंग नहीं करती, अपने में रहती हैं, वो मुझे सबसे बेस्ट लगता है। और मेरे लिए जो अपने में रहता है वो शायद सबसे मस्त आदमी होता है, किसी का बुरा नहीं चाहता और वो सबसे अधिक खुश होता है। तो मैं जैसा हूँ, और मुझे बड़ा डर लगता है उन लोगों से कि जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूसरों के चक्कर में निकालते हैं कि इसका ये हो रहा है। मुझे तो क्या, मुझे अपने से ही टाइम नहीं मिलता है खुद के बारे में सोच के, मैं दूसरों के बारे में नहीं सोचती। और ऊपर से लड़की हैं अगर ऐसी हैं तो कितनी अच्छी बात है। अच्छा ये जो मेरा क्वेश्चन है ये आप दोनों से है, लाइक बिग बॉस से पहले आप सिर्फ भोजपुरी भोजपुरी, और बिग बॉस से जब आप निकल के आए, विक्रांत आपके लिए भी है ये, तो लाइक कितने चेंजेस आए आप दोनों के लाइफ में, क्या बदलाव आया है आफ्टर बिग बॉस? मैं तो कितना खुश हूँ कि मतलब बता ही नहीं सकती कि टोटली लाइफ चेंज हो गया है। लाइक अभी तो मतलब हमारे बिल्डिंग के लोग भी आते हैं, और बच्चे स्पेशली मेरे लिए तो बच्चे एंड लेडीज़ जो घर की औरतें हैं। पहले हम लोगों का एक रीजनल जोन से ही मतलब फैंस हुआ करते थे, और वो भी मतलब मैक्सिमम यू नो क्या कहें उसको, जैसे ऑडियंस जो भोजपुरी ऑडियंस है ज़्यादा मेल होते थे, और क्योंकि वही लोग सिंगल थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं। औरतें मेरे साथ ज़्यादा कनेक्ट हुई हैं आफ्टर बिग बॉस, मतलब और मेरे नेचर को उन लोगों ने पसंद किया है। जब हम लोग साथ में रहते हैं तो मान लीजिए कभी इनको पहले देख लिया तो इनको उन लोगों को लग जाता है कि मैं भी कहीं होंगी, तो इनसे डायरेक्ट आके पूछा हाय विक्रांत ओ माय गॉड ऐसा वैसा एंड वेरी शी, तो मैं कहीं मतलब शॉपिंग में इधर उधर होंगी तो फिर मैं भी आती हूँ, फिर फ़ोटो लेते हैं सेल्फी लेते हैं, तो मतलब नेक्स्ट लेवल हैप्पीनेस है। हम लोग अभी एक मिनी हनीमून करने गोवा भी गए थे आफ्टर यू नो नचपली एलिमिनेशन, इतने लोग आए सब लोग हम लोगों को इतना कॉन्ग्रेचुलेट किए, और ये पहले नहीं होता था। विक्रांत थोड़ा जेलस फील करते हैं कि मेल जो फैंस हैं उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इनकी फीमेल की ज़्यादा बढ़ गई। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको हमारा ये सेगमेंट, फटाफट अपने कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय। कैमरामैन खालिद के साथ मैं मिनी लहरे स्मॉल स्क्रीन।